हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के प्रति लगन से लगे होंगे और सभी लोग अपने मुकाम हासिल करें, जो भी आपका टारगेट हो, और आपकी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लगे। यही मेरी दुआ रहेगी आप सभी लोगों के लिए। और मैं आपसे बहुत दिन बाद मिल पाया हूँ, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, उसके वजह से मैं घर भी आया और शादी वगैरह भी हुई। उसके बाद फिर जॉब के लिए अग्रसर हुआ कि मुझे भी एक जॉब लेनी चाहिए। तो वर्क प्रेजेंट टाइम में मैं इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ। साथ साथ में अब मेरे 7-8 महीने हो चुके हैं मुझे जॉब लिए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा किया जाए। मेरा भी कम हो रहा है साथ साथ में, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई भी हो तो उसका जो है वर्क फ्लो एक कम रहता है। मेरा सदैव ही पढ़ाने का बहुत ही मन रहा, पिछले 5-6 सालों से आपको पढ़ाता चला आ रहा हूँ। ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मेरे यहाँ जो घर था, घर के पास मेरी जगह पड़ी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने कोचिंग अपनी कंपटीशन की लगातार जारी रखी। और इससे पहले आप जानते थे कि हरदोई शहर में जो है अपनी कोचिंग चलती रही है, और आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ पिछले 5 से 6 सालों से। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके साथ ये जो परसेंटेज का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके विभिन्न एग्जामों में बहुत ही मदद करेगा। जैसे थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जो बच्चे एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं और जिनको मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, वो इस लेक्चर को नहीं देखेंगे। ठीक है, देखो मेरी बात जो रहती है वो एकदम स्पष्ट रहती है, बिना भेदभाव या लालच के। ठीक है, और जो बच्चे एसएससी और बैंक की तैयारी जिन्होंने अभी शुरू किया है, यानी कि करना, वो इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, रेलवे के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं तो ध्यान दें, रेलवे का आपको जो भी एग्जाम हो वो आपको इस लेक्चर को देखना है। ठीक है, और इसमें अभी हम आपको शुरुआत में बेसिक जो सवाल हैं वो लेकर चलेंगे, और इसके बाद में ये जो इसका जो मीडियम रखा गया है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बेसिक टू हाई, मतलब आपको इसमें ले चलना है हमको बेसिक से हाई की तरफ, जिससे कि आपको भी पढ़ने में कठिनाई ना हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं। तो रेलवे के जो भी एस्पिरेंट हैं तो आप ध्यान दें, रेलवे में आपको बेसिक से हाई तरफ ले जाया जाएगा, तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट हमारा आप समझ के चलें। आप रेलवे के लिए ज़रूर बने रहें। जैसे कौन कौन एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, और जो अभी आपका आया है आरपीएफ, उसमें भी आप ध्यान रखें, और जो टेक्नीशियन है जिसमें मैथ आ रही है वो भी आप ध्यान रखें। तो ये एग्ज़ाम्स यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी टीचिंग वाले जो एग्ज़ाम हैं, ऐसी कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स नहीं जिसमें मैथ ना आए, तो ये जो मैथ है वो टीचिंग के एग्जाम्स के लिए, जैसे मान लो आपका 20 नंबर का मैथ आएगा तो जिसमें आप 20 निश्चित कर सकते हो। ठीक है, 1 नंबर कम मान लेते हैं तो आप 19 कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से जो टीचिंग वाला बैच है, यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट वाला, उसमें भी पढ़ाते आए हैं। तो टीचिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो आप सब सिर्फ इतना देखना कि आपके एग्जाम में कौन सा चैप्टर आ रहा है। जैसे आपके एग्जाम में अगर परसेंटेज आ रहा है तो आपको ये पूरा हेल्प करेगा, परसेंटेज। ठीक है, जैसे अगर हम अगला प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो आप देख लेना आपके एग्जाम में प्रॉफिट लॉस आ रहा है, तो बिल्कुल जो जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी अदर जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए अगर आप अपना चैप्टर मिलाइए, जो भी आपके एग्जाम लगे हों अपना चैप्टर मिलाइए, और अगर आप वो चैप्टर लिखा हुआ है और मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था शुरुआत का, जो मैंने आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रतिशत के तरफ। प्रतिशत का मतलब जो है वो साफ है, क्या कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है प्रति 100, यानी कि प्रति जहां पर भी लगा होता है वो होता है बटे, तो प्रति और वो कितना 100, और 100, सत सत का मतलब होता है 100, यानी कि किसी के बटे में अगर 100 है तो वो प्रतिशत है। जैसे 20%, तो इसके भी बटे में 100 है। जैसे 20 को कैसे लिखेंगे, 20/100, तभी तो होगा 20%। जैसे 50%, तो प्रतिशत यानी कि 50 के बटे में क्या है, सत है, प्रति है, यानी कि 100 है। ठीक है, तो प्रतिशत का हो जाता है। अच्छा, कुछ बेसिक सवाल भी आता है, जैसे
जैसे यहाँ पर आ जाता है कि 10 को परसेंटेज में व्यक्त करें, ठीक है? तो 10 को परसेंटेज में कैसे व्यक्त करेंगे आप? तो 10 को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे? तो जिसको भी प्रतिशत में बदलना है, टू चेंज प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज में चेंज करना है, उसमें आपको गुणा कितना से करना पड़ेगा? 100 से, ठीक है? अच्छा, फिर आ जाता है, अरे मिट गया। तो अगर मान लो वो तो 10 से था, टू चेंज परसेंटेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा 100 से। अगर आपको मान लेते हैं कि आपको भिन्न में बदलना है, तो टू चेंज फ्रैक्शन, यानी कि आपको भिन्न में बदलना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ 10 को मैं परसेंटेज में बदलना है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1000%, यानी कि जो 10 है वो 1000% के बराबर है। जैसे अगर आपको ना यकीन हो तो आप इसको चेंज करके देख लीजिए। जैसे 1000 लिखिए और भाग लगा दीजिए आप, भाई परसेंटेज का मतलब हटा के 100 लगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है? 10 आ जाएगा, परसेंटेज नहीं, 10। अब जैसे मान लेते हैं 1/5 को आपका, अगर आपको भिन्न प्रतिशत में बदलना है, तो आपको क्या? टू चेंज प्रतिशत, यानी कि गुणा 100 करना है, तो आपको गुणा इसमें 100 करेंगे, तो 5 से काट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20%, यानी कि जो 20% होता है वो 1/5 होता है। जैसे आपको यहाँ पर मान लेते हैं 1/, यहाँ पर 8 कर दिया, तो आपका पूछे कितना परसेंटेज, तो यहाँ पर गुणा 100 कर देंगे। अब यहाँ से काट देंगे, 4 से काट देंगे 2 बार, और 4 से 100 काट देंगे 25, 25/2 कह लीजिए, या आप 12.5% कह लीजिए, ठीक है? तो अब आप दोनों तरीके समझ गए होंगे कि प्रतिशत कैसे बदलना है और फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। यानी कि अगर आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू चाहिए तो उसमें आपको गुणा 100 करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई वैल्यू भिन्न में चाहिए तो उसमें भाग 100 करना पड़ेगा। जैसे फ्रैक्शन में, जैसे मान लेते हैं कि 20% है, इसका आपसे पूछे भिन्न कितना होगा, तो 20% है, तो प्रतिशत हटा के यहाँ पर आप 100 लगा देंगे और काट देंगे, तो 1/5 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 33 सही 1/3% का भिन्न बताइए, तो 33 3 99 और 100, 100/3, और ये परसेंटेज हटा के 2 0 नीचे, तो 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या? 1/3, तो ये आपका 1/3 हो गया। यानी कि आप दोनों तरीके से सीख चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आप यहाँ से सवाल, तो बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल लिए हैं, और आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। 1000 का 10% का 50% क्या होगा? तो 1000 है, इसका आपको 10%, तो प्रतिशत हटा के यहाँ पर नीचे 100 लगाना है, गुणा 50%, प्रतिशत हटा के 100 लगाएंगे, तो 1 और 2 0 कट जाएगा, तो ये 2 0 कट जाएगा, 1 और 2 0 कट जाएगा, तो ये 2 0 कट जाएगा, तो 5 × 10, तो 5 × 10 कितना होता है? 5 × 10 होता है 50, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 50, तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है जी? अगला सवाल, अगला पूछा गया 1206 का 1/3, 134 का कितना प्रतिशत है? बहुत ही अच्छे सवाल हैं, धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे। 1206 का 1/3, तो 1/3 देखो, 1206 का 1/3, तो पहले तो 1206 का 1/3 कर लो, 1/3 जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है, पहले तो इसका 1/3 करो, तो 3 × 12, और ये 0 का तो 0 ऐसे रहेगा, 3 × 2 = 6, यानी कि आप देखे हैं कि जो 1206 का 1/3 होता है 402, और जो 134 का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दें, ये जो 402, जो 400, जो ये दो हैं, ये 134 का कितना प्रतिशत है? तो बहुत ही यहाँ पर आप विशेष बात ध्यान दें कि आपको यहाँ पर एक नोट मैं लिखवा रहा हूँ, वो नोट क्या है? वो नोट कुछ इस तरीके से है कि जिसके साथ, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा टाइम देना हमें, और बिल्कुल हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे आपको पिछले जो क्लासेस में और ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल याद हो जाता था। तो जिसके जिसके बटे में, सॉरी बटा नहीं आएगा यहाँ पर, जिसके साथ का लगा हो, का के साथ में एक और चीज लिख लीजिए, जिसके साथ
का या से लगा हो उसे उसे बटे में, बटे समझते हो, भाग में रखते हैं, में रखते हैं। ठीक है, तो जिसके साथ का या लगा हो या से लगा होगा उसे आप बटे में रखोगे, यानी कि उसको आप भाग में रखोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। यानी कि जो 402 जो है, मतलब 1206 का एक तिहाई, इसका मतलब 402, 402 जो दो है वो 134 का, तो का किसके साथ में है, 402 के साथ में है या 134 के साथ में? तो आपने देखा कि 134 के साथ में है, तो 134 का कितना प्रतिशत है? तो भैया यहाँ पर 134 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 134 का कितना प्रतिशत, इसका मतलब 134 आएगा बटे में। और कौन, 402, 400 जो दो हैं वो 134 का कितना प्रतिशत है, तो का आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम लोग काट लेते हैं जितने से भी कट जाए। तो सबसे पहले तो छोटी वैल्यू 2 से ही काट लेते हैं बिल्कुल आराम से। तो 2 दूनी 4 और 9 जाने की 0, तो 2 एक कम 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 छंग 12 और 1 बचा, तो 2 सते 14। ठीक है, अब आप उम्मीद है कि ये 67 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 7 का ऐसा पढ़ा पढ़िए जिसके लास्ट में 1 आए वहीं रुक जाना है, क्योंकि ये पूरे टाइम कटेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, मतलब 3 बार जा रहा है। इसका मतलब 67 × 3 आपको पक्का 201 होना चाहिए। 7 3 21 का 1 हासिल लगा, 2 3 6 18 और 2 20, मतलब कितनी बार कटा, 3 बार कटा। और 3 × 100, 3 × 100 होता है 300। तो राइट आंसर है यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। ठीक है जी, अब हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 3.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 70 ग्राम है? तो 3.5 किलोग्राम का, तो देखो किसके साथ में का लगा है, तो 3.5 किलोग्राम के साथ में का लगा है, और का कितना प्रतिशत 70 ग्राम है। तो ये जो 70 ग्राम है ये 3.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो पहले तो ये भी ग्राम है और इसको भी ग्राम में बदलना चाहिए। तो 3.5, कोई चीज़ किलोग्राम है उसको अगर आपको ग्राम में बदलना है, तो आप इतना जानते होंगे कि 1000 से गुणा करेंगे, और ये पॉइंट आके नीचे 0 2 ये कट जाएगा, तो 35 × 100 3500 हो जाएगा। तो आपको तो 3500 ग्राम का 70 कितना प्रतिशत है, तो का के साथ में लगा है तो ये का बटे वाला आ जाएगा, यानी कि इसको हमने सुधार लिया है, ये 3500 आ गया और परसेंटेज में चाहिए, तो इसलिए हम गुणा 100 कर लेंगे। ठीक है जी, तो 0 से 0 कट गया, या उसको 70 ऐसे ही रहने देते, तो ये 2 0 2 0 काट दो और 35 2 ना 70, तो यहाँ पर 2% आपका आंसर आ गया। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है। ठीक है जी, अगला सवाल। तो यदि यक्ष का 125% 100 है, तो यक्ष का मान क्या होगा? कह रहे हैं जो यक्ष है, और का मतलब आप जानते हो गुणा भी होगा, अब ऐसा मत कर देना, यक्ष बटे 125 कर दो। ठीक है, क्योंकि वो अलग सवाल था, वो ऐसे पूछता कि 125 100 का कितना परसेंट है, या 100 125 का कितना परसेंट है, यहाँ तो गुणा में बात हो रही है। जैसे मतलब यक्ष का 125% 100 है, तो कह रहे हैं कि जो यक्ष है उसका अगर आप 125% निकाल दोगे तो वो आपको 100 मिल जाएगा, यानी कि वो 100 होगा। तो यक्ष का हम 125 निकाल देते हैं और बराबर 100 के कर देते हैं। तो अब आप इसको कैसे काटेंगे, जैसे भी मर्जी है काटते हो, 25 से काट देते हैं, 25 5 125 और 25 6 100, जब बराबर लगाओ तो आप ऊपर ऊपर का काट सकते हैं। तो 25 से इसको 100 को काटेंगे तो 20, और ऐसे तिरछी गुणा होती है, तो यक्ष बराबर 80। तो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आपको बराबर लगा है तो आप ऊपर ऊपर का काट सकते हो, साथ साथ में नीचे नीचे का काट सकते हो। ये नहीं कर सकते हो कि पहले इसको काटा फिर इसको काट देंगे, ये ऐसे गुणा होती है, ऐसे कटते नहीं, ऐसे गुणा होता है, ऐसे गुणा होता है, ये कैंची गुणा होती है। ठीक है, कैंची गुणा होती है, और ऊपर ऊपर का कटता है और नीचे नीचे का कटता है। ठीक है जी, हाँ ये बिल्कुल बेसिक सी बातें, वो भी समझते चलो, हो सकता है कोई मेरा भाई बहन इतना ना जान पा रहा हो। तो 145 से 203 कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? तो देखो अब से लगा हुआ है किसी के साथ में, ये देखो से लगा हुआ है, तो अभी हमने आपको पीछे नोट्स में लिखवाया था कि जहां पर का और लगा हो से लगाओ, उसको बटे में रखते हैं। ठीक है जी,
तो 145 से 203 कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं? तो 145 से तो बड़े में आ जाएगा, 203 कितने प्रतिशत ज़्यादा। तो ज़्यादा और कम वाला सवाल आ जाए तो पहले तो आप ये भी देखो कि ज़्यादा है कि नहीं है। 145 से 203 ज़्यादा है, हाँ है। कितने ज़्यादा है पहले तो ये निकाल लो, या कितने कम है ये निकाल लो। 203 से बात हो रहा है तो 145 इसमें घटाते हैं तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ बचेगा 9, क्योंकि 10 हो जाएगा, 10 का एक हाथ से चलाएगा 13, या 9 बचेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 1 में से गया 0, यानी कि 58 ज़्यादा है। यानी कि 145 से 203 कितने परसेंट ज़्यादा है? 58 ज़्यादा है। पहले तो हमने ये निकाल लिया कितना ज़्यादा है, 58, और कितने से, 145 से, और परसेंटेज पूछ रहा है इसीलिए गुणा 100। तो आपको इतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी यहाँ पर, क्या कितना कोई ज़्यादा या कम है वो आपको घटा के निकालना पड़ेगा, ज़्यादा या कम में आपको घटाना तो पड़ेगा, और जिसके साथ में से लगा हो। अब बहुत बहुत ही बच्चे ये सोच लेते हैं कि बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे या छोटी वैल्यू नीचे रखेंगे। आप इसके चक्कर में मत पड़ना, बड़ी और छोटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसके साथ में से लगा होगा या जिसके साथ में का लगा होगा उसको हमको बटे में रखना है, ये आप ध्यान रखें। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, जितने से भी कटे 5 से पहले काट देते हैं। 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 नेम 45, और 5 से इसको काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और 29 दूना 58 होते हैं तो ये आपको पता ही होगा, तो 20 गुणा 2, 20 दूना 40 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका 40 है। तो ये देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी मैथ हो जाएगी, आप बने रहिए, और उम्मीद है आपके रेगुलर आपको ये वीडियो जो मिलते रहेंगे। 448 से 364 कितने प्रतिशत कम है? देखो यहाँ पर कम है, तो 448 से 364 कितने प्रतिशत कम है? तो कम तो है, तो जो कम है वो आप निकाल लीजिए। 448 से 364 जो है तो 364 यानी कि कितने कम है पहले तो हम ये निकाल लेंगे। तो 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि 84 कम है। कितने से कम है? 448 से, 448 से, तो जिसके साथ में से लगा हो वो आप नीचे लिखो, 448 से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत के लिए आप यहाँ जानते हैं 100 हम लगाते हैं, तो बस इसको हम लोग काट लेते हैं। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हम इसको और काट सकते हैं, तो चाहो तो हम 4 से भी काट सकते हैं, तो 4 दूनी 8 बचे 3 हो गए 32, 4 8 32, और 4 से ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। 7 से काट सकते हैं, 7 3 21, और 7 4 28, और 25 3 75, और बटा 4, 75/4 हम लोग भाग कर लेंगे, तो 4 एकम 4 बचा 3 हो गए 35, 4 8 32 बचा 3 हो गए 30, 4 7 28, और 4 5 20, 18.75। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल 7 नंबर, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और भी है, आप सवाल जल्दी जल्दी करते जाएंगे और कम टाइम में करते जाएंगे और अच्छा आपका परफॉर्मेंस होता चला जाएगा, एक एक बात आपकी जहन में चली जाएगी। 350 है वो 200 का कितना प्रतिशत है? आप देखो ये तो पुराना सवाल है, 350 200 का कितना प्रतिशत है? तो जो 350 है वो 200 का, अब यहाँ पर आपको देखो कम और ज़्यादा नहीं कहा गया है। जब कम और ज़्यादा नहीं कहा गया है तो हमको क्या करना है, घटाना और नहीं है, ठीक है, घटाना नहीं है, घटाना नहीं है, ठीक है जी। तो 350 है वो 200 का कितना प्रतिशत है? तो जिसका 350 है वो 200 का, तो 200 का कितना प्रतिशत है, गुणा लगा देंगे 100। अब यहाँ पर बहुत ही बच्चे गड़बड़ कर लेंगे, वो 200 ऊपर लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे 350, और फिर काटेंगे, फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये मत करना, तो जिसके साथ में का लगा वो नीचे लिखो, यानी कि 350 है वो 200 का कितना परसेंट है। तो यहाँ से 2 0 2 0 कट जाएगा, और इसको अगर आप काटोगे 2 से तो मान लेते हैं 2 1 2, 2 7 14 बचा 1 2 5 10, 175 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला सवाल, 1200 किलोमीटर का 34% क्या है? यानी कि 1200 किलोमीटर का
अब देखो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो पहले तो आप एक चीज समझिए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर निकालना चाहें तो 1 किलोमीटर में 1000 तो ये हो गए 1000, और यम की जगह यानी कि 1 मीटर की जगह है हम लोग 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो यहाँ 100 से और गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1000 गुणा 100। तो 1000 गुणा 100 गुना कर रहे हैं 1200 किलोमीटर का 34% कितना है, तो 34% कितना है, प्रतिशत हटा के यहाँ पर 100 लगाएंगे, क्योंकि 34 के साथ परसेंटेज है, परसेंटेज आके 100 लगाते हैं, तो 2 0 2 0 ये कट जाएगा, तो 12 से आप गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 3 36 और 4 40 और 3 0 ये 1 2 3, यानी कि 40 और 8000 आप मिलाइए, तो 40 7 ये हटाओ, 4 के बीच में 2 0 हैं ये भी हटाओ, 4 के बीच में इसमें 1 भी 0 नहीं है, इसमें सही है, तो ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 4 0 8 और 3 बार 0। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप धीरे धीरे से बेसिक टू हाई बढ़ रहे हैं। अगला सवाल, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो कह रहे हैं 1 घंटे जो 45 मिनट की जो समय अवधि है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन का, तो आप ध्यान दें यहाँ पर एक दिन के साथ में का लगाए, एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में क्या सिस्टम होता है, तो पहले तो 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे को अगर आप मिनट में बदलना चाहें तो आपको 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कहानी मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये मिनट है और ये मिनट हो गया, अगर इनको भी सेकंड बदलना होता तो 60 से और गुणा करते, तो अभी तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 घंटे 45 मिनट की बात हो रही है, यानी कि सेकंड तक कोई गया नहीं है। अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ये भी तो पता है आपको, तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए और 45 मिनट ये, तो टोटल आपका हो गया 105 मिनट, और आपसे पूछा गया है जो 105 मिनट जो हैं वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। अच्छा, कम ज़्यादा नहीं पूछा गया है, कम ज़्यादा होता तो इनको हम घटाते, अब कम ज़्यादा है नहीं तो घटाएंगे नहीं, तो जिसके साथ में का लगा उसको बटे में लिख दो, तो एक दिन का यानी कि जो 105 मिनट हैं, 105 मिनट जो हैं वो एक दिन का, तो एक दिन को पहले हम लोग घंटे में बना लिया, मतलब घंटा 24 होता ही है, और 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं वो 60 से गुणा कर दिए। ठीक है, अच्छा 60 से, क्योंकि क्योंकि ऊपर वाले मिनट हैं और नीचे वाले भी मिनट हैं, या तो हम इसको घंटे में बनाते, और जब घंटे में बनाओगे तो इसका भिन्न बनेगा जाके, ठीक है, तो भिन्न में आपको फिर प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने भिन्न ना बन पाया, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हमको वैल्यू परसेंटेज में चाहिए, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, और फिर हम लोग इसको 3 से काट देंगे, तो 3 3 9 और 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, अब ये वैल्यू कितने से कट रही है, और इसको आप 3 8 24, अभी आप इसको चाहो तो 2 से और काट सकते हो, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, काटने का तरीका अपना अपना है, कोई इधर से काट लो कोई इधर से काट लो, अब आप यहाँ पर कोई वैल्यू कट नहीं रहे, 35 को हमको 5 बार गुणा कर लिए हैं, 35 दूना 70 और 70 का डबल 140, 140 में 35 अगर आप और जोड़ दोगे तो आपकी गुणा हो जाएगी 175, तो 55 25 के 5 हासिल कितना 2 5 3 15 और 2 17, और आपको भाग करना है 8 3 24 से, तो इसमें आप 24 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो 24 को आप 25 मानकर और इसमें 175 के करीब ही ले जाइए, तो लगभग 7 बार, क्योंकि सारे ऑप्शन साथ साथ आ रहे हैं, तो लगभग 7 बार तो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, तो 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर बचा 6 में से 6 गया 0, लगाएंगे दशमलव हो गया 70, और अगर 24 3 72 होता है तो 3 बार नहीं जाएगा 2 बार जाएगा, तो 24 दूना 48, तो आप देखो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बचा आपका 6 में से 4 गया 2, 22 बचा, और फिर 1 बार 0, तो आप 24 को 25 मान लीजिए, 25 नेमा 225 होता है, तो आप देखिए 7.2 करके ऑप्शन आएगा, तो 7.3 वाला कट जाएगा और 3 ऑप्शन है, तो 25 नेमा यानी कि 9 के समथिंग जाएगा, 9 चौक 36 के 6 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 3 21,
तो यहाँ 220 में से 216 जाएगा तो 4 आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे तो 2.9 करके ऑप्शन आपके ये देखो कट जाएगा, तो 2 के बाद में यहाँ 2 है तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन अभी भी आपके मैच हो रहे हैं, तो फिर एक 0 बढ़ा लेंगे 40 में, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, तो 24 एकम 24, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका सी चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वह संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या क्या है? यानी कि वो संख्या ही नहीं पता है हमें, तो वो संख्या आप जब नहीं पता होती तो वो हम लोग एक्स मान चलते हैं। वह संख्या एक्स है और 16% बढ़ने पर, यानी कि 16% बढ़ाओगे कोई चीज़ तो वो 116 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी। कोई संख्या अगर 10% बढ़ती है तो 110 हो जाती है, 20% बढ़ती है तो 120 बढ़ गए, अगर घटती है तो वो 100 में से घटा लो। जैसे कोई संख्या 40% घटी तो 100 में से 40 गए, 60 हो जाए, तो कितने परसेंट बची? 60। तो ऐसे करके आप देखते रहना। ठीक है, तो वह संख्या जो 16% बढ़ने पर, यानी कि 116/100 हो गई, बढ़ने पर 1914 हो गई, तो भैया 1914 के बराबर हो गई। तो चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं, तो 4 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 ने 36, और 4 से काट देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 29 किसी से नहीं कटता, इसलिए 29 ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो आप 29 को 30 मान के चलेंगे 1914 में। बहुत ही आराम से सिखा रहा हूँ। 19 को अगर आप 30 मान चलेंगे, 100 के समथिंग में ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग आपको 30 मान लेंगे, 3 6 18 मतलब 6 के समथिंग में ले जाओ, 6 ने 54 के 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, तो 11 में से आप जाएंगे, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। तो ये वाला 4 आप नोट कर लेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर 174 है, नीचे भी 174, मतलब फिर 6 बार जाएगा, तो 6 ने 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 66 बार गया। तो यहाँ पर आप इसको कितने बार काटेंगे? 66 बार, और 66 और 25 से गुणा कर लेंगे तो 25 6 का 150 हासिल 15, 25 6 का 150 और वो 15, तो 150 15 कितना हो जाएगा? 100 आपका 65। तो यहाँ पर 16:50 हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए किसी भी उत्तर में आपका 16:50 है नहीं, तो आप हम लोग चेक कर लेंगे क्रॉस, क्योंकि हमने गलती तो कहीं पर की नहीं है। तो 25 6 का 150 को 0 हासिल 15 और 25 6 का 150, तो यहाँ 5 5 और 1 6 165, तो 1685, यानी कि ऑप्शन सही कर लेना, क्योंकि इनमें अपना आंसर नहीं है। राइट आंसर है 1650, ये अपना सही उत्तर है। ठीक है जी, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, ये भिन्न दी गई 16 से 2/3%। इसको करने से पहले एक दो क्वेश्चन और हैं, वो कर लीजिए, फिर आप इसको करिए। अभी हम इसको कराएंगे ये क्वेश्चन करने के बाद में, या एक क्वेश्चन और होगा ऐसा। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद में वो क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, चीनी की कीमत 25% की कमी हुई तब खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ जाती है ताकि वे समान रहे? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपको बहुत ही आते हैं। तो पहले तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझो। देखो मान लेते हैं कि एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, इसका मूल्य मान लिया हमने 20 रुपया और इसका मूल्य मान लिया 10 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। अब देखो, अब मान लेते हैं ये वाली चीज़ ज़्यादा है, अधिक है भाई, और अधिक है तो अगर कोई परसेंटेज अगर पूछना चाहे तो वो भी बता सकता है। जैसे इसने चीनी की कीमत 25% की कमी हो गई, मतलब पहले कोई चीनी रही होगी और अब ये चीनी कह रहे 25% कम हो गई, तो एक चीज चलो इसी क्वेश्चन में समझो। और अगर देखो कीमत में अगर क्या हुई,
कीमत में अगर गिरावट हुई तो खपत में पक्का वृद्धि होगी। देखो, चीनी प्रतिशत 25% कम हुई तो खपत खपत जो है कितने प्रतिशत बढ़ी, देखो है बड़ी। अब आप यूं समझो, जैसे मान लेते हैं अभी आपके गांव में सेब जो है 100 रुपए किलो है, सेब मान लेते हैं कितने रुपए किलो है, 100 रुपए किलोग्राम है, 100 सेब 100 रुपए किलोग्राम है। तो आदमी कहता है यार चलो मीडियम में 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, 1 किलो 2 किलो दे दो, कोई 5 किलो आ जाता है, 2 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, ऐसे करता है। मान लेते हैं एक आदमी सुबह उठा, उसने पूछा सेब क्या रेट है, तो एक आदमी ने कहा सेब जो है वो 5 रुपए किलो है। कितने? 5 रुपए किलो। तो वो आदमी तुरंत घर जाएगा और एक बोरा लाएगा, कहेगा ऐसा करो भाई ये बोरे में जितने हो सब भर दो। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो वो 100 रुपये में देता तो वो 1 किलो ले लेता, लेकिन जैसे उसने सोचा कि 5 रुपए किलो हैं, इसका मतलब 100 रुपये में तो 20 किलो आएंगे, तो बोरा तो लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब रेट डाउन हुआ 5 रुपया और खपत भूख से कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। जितना रेट डाउन होगा खपत उतनी बढ़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर कोई चीज़ जो लोग हम लोग खा रहे हैं अगर वो कीमत बहुत ही कम हो जाए तो हम लोग बहुत ही खाने लगेंगे। जैसे आलू, आलू जब कीमत बहुत ही कम होता है तो लोग आलू भूनते हैं, आलू सब्जी बनाते हैं, आलू चिप्स बना लेते हैं, आलू के पापड़ बना लेते हैं, पता नहीं आलू का क्या क्या बना लेते हैं। जैसे होली के समय में जो आ रहा है त्यौहार, वो सर्दियों में आलू होता है और सर्दियों में आलू होने के बाद में होली क्यों आई, क्योंकि आलू से चिप्स पापड़ बन जाता है। मतलब ये रीजन नहीं कि होली क्यों आई क्योंकि आलू सब सब, ऐसा नहीं। मतलब सर्दी में आलू हुए और आलू होले के बाद में पापड़ का जो सिस्टम चला हुआ है वो इसीलिए, क्योंकि आलू है, आलू के भी पापड़ बना दिए, सस्ते थे। अब यही आलू अगर 50 रुपए किलो हो, 50 रुपए किलो हो, तो पापड़ बनाने को कौन आएगा? आलू खाने को नहीं होंगे तो पापड़ कौन बनाएगा? तो पापड़ तो इसलिए बनते जो आलू सस्ते होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो याद ही कर चुके होंगे कि कीमत डाउन खपत ज़्यादा, अगर मान लेते कीमत बढ़ी तो खपत कम, उल्टा होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। वही चीज़ यहाँ से फिर से समझिए, मान लेते एक चीज़ का बस 10 रुपये है, दूसरे का 20 रुपया है, ठीक है जी। तो क्या होगा कि मान लेते ये वस्तु 10 रुपये की है, 20 की है, तो ये एक वस्तु ज़्यादा है, यानी कि ये वाली ज़्यादा है, लेकिन ये वाली जो है इससे क्या होगी, कम होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब एक वस्तु अगर दूसरे से ज़्यादा है तो वही दूसरी वस्तु पहले से कम होगी। ये सवाल ये घुमाता है, यही वाली चीज़। अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु, ये वाली जो 10 रुपये की वस्तु है ये 20 रुपये से कम है, तो ये जो 20 वाली है वो 10 रुपये से ज़्यादा होगी। तो मतलब अगर एक कोई चीज़ कम है तो दूसरी उसी से ज़्यादा होगी। जैसे चीनी की कीमत में 25% कमी हुई, तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये कीमत और खपत में रिलेशन है कि कम की एक होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी, एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर कोई दो चीज़ें हैं तो एक की वस्तु 1 रुपये कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी। जैसे ये वाली इससे कम है तो ये वाली इससे ज़्यादा है। ये चक्र जहाँ पर भी बन रहा होगा उसमें हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, एक फॉर्मूला बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं। क्या? जब भी कभी एक दूसरे की लिंक हो और एक बार प्रतिशत दिया जाए, ध्यान नोट करें, परसेंटेज सिर्फ एक बार दिया जाएगा, प्रतिशत सिर्फ एक बार दिया जाएगा, और ध्यान देना एक बढ़ेगी तो एक खपत, एक एक बढ़ेगी तो एक घटे की रिलेशन चलना चाहिए, एक बढ़ेगा तो एक घटे का रिलेशन चलना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर कमी हुई है तो यहाँ पर आपको देखो वृद्धि पूछ रहे हैं, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना है, एक कमी होगी तो एक वृद्धि, ये सारी बातें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए क्या है, गिवेन वैल्यू, क्या गिवेन, गिवेन वैल्यू यानी कि दिया गया मान बटा 100 प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस जो गिवन वैल्यू है, यानी कि आपको यहाँ पर गिवन वैल्यू की जगह एक्स परसेंटेज भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम सुधार कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। एक्स प्रतिशत यानी कि एक्स प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस एक्स प्रतिशत और गुणा 100, ये आपका आंसर रहेगा। यानी कि इसको हम फिर से समझते हैं, यानी कि गिवन वैल्यू जो आपको दिया गया मान है वो आपको ऐसे रख देना है बिल्कुल, और बटे में ये चीज ध्यान देना है, बटे में क्या है, अगर आपको कमी की गई है तो घटा देंगे
और अगर आपको वृद्ध दी जाए तो आप जोड़ देंगे, यानी कि यहां पर आप लिखेंगे पहली बार, पहली बार जो कहा जाए, जो कहा जाए। आपने नोट्स में आप ध्यान से बढ़िया से लिख लेना, यहाँ पेन पे लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो पहली बार जो कहा जाए, अगर नोट यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपसे क्या कहा गया है, अगर आपसे वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई होगी तो आप जोड़ देंगे, और अगर आपसे कमी कराएगा तो आप घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे। अब देखिए इसी सवाल को हम लोग यहाँ नीचे लगा लेते हैं, इसी सवाल को देखो, पहला सवाल है, समझाने में टाइम लगेगा, इसी सवाल को यहाँ नीचे लगा लेते हैं। इस सवाल को देखिए, यानी कि 25% की कमी हुई है तो खपत कितने % बढ़ेगी, यानी कि एक कमी बताना, दूसरे बढ़ी पूछ रहे हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ 25 लिखना है, और पहली बार में कमी पूछ रहे हैं तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 बचेगा, या आप लिख के घटा लो या कैसे भी घटा लो, वो आप घटाना है, चाहे आप 100 - 25 लिखो, चाहे ऐसे मन में ही घटा के लिख दो। तो 25 से कम 25, और 25 थी 75, यानी कि 100 गुणा 100, 100 बटा 3, 100 बटा 3 कितना होता है, यानी कि 100 को 3 से भाग करोगे तो 33 सही 1/3% होते हैं। तो जो कोई भी आप बंधु जो होंगे, 1/3 का परसेंटेज काफ़ी लोगों ने याद करा लिया होगा, जैसे हमारे जो महान टीचर हैं और सभी के आइडियल हैं और जो बहुत ही प्रसिद्ध टीचर हैं, तो वो सब क्या करते हैं कि जैसे वैल्यू याद करा देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी सिंपल तरीके, हम लोगों को GSB याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया कि जो SSC के अच्छे स्टूडेंट हैं, बैंक के अच्छे स्टूडेंट हैं, वो इस लेक्चर को ना देखें, क्योंकि उनके लिए तो ये मैथ हलवा रहेगा और वो एकदम से उड़ा देंगे। हम लोग नॉर्मल लोग ध्यान दें इस लेक्चर को, और रेलवे वाले ध्यान दें, रेलवे की नॉर्मली इतनी नहीं आती है, लेकिन हम धीरे धीरे टफ कर देंगे, लेकिन हम बेस बना के ही चलेंगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वैल्यू याद कर लो, 1/3 की 33, 1/4 की, अगर इतना ही दिमाग होता तो फिर हम लोग अब तक सेलेक्ट हो चुके होते। ठीक है, अभी तो नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ने पड़ेगा कि सब पर ध्यान देना पड़ेगा, और हमारा पढ़ने में वैसे भी ज़्यादा मन नहीं लगता, हमारा मीन्स हम सभी लोग, आप भी, तो इसीलिए सब मन को बना के भी रखना है, कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा बोरियत ना हो पाए, इसीलिए हम आपको ज़्यादा कुछ रटाएंगे नहीं, बस आपको समझाते हुए चले जाएंगे। तो ये तरीका है, आपको चाहे पहले कमी की जाए या वृद्धि की जाए, फार्मूला एक ही रहेगा, यही तो आपको करना है। अगर यही कमी की जगह वृद्धि दिया होता तो हम लोग यहाँ 25 लिखते और बटे में 100 + - क्यों, क्योंकि अगर पहली बार हम वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ना पड़ता। अगर मान लेते हैं यही सवाल होता कि चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो गई, तब खपत में कितने % की कमी हो जाएगी, तो 25% की वृद्धि हो गई, पहली बार में 25 कहा गया, तो 25 ऊपर लिखेंगे बटे में 125 * 100, बस हल कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं वही सवाल पुराना जो हमने आपको बताया कि पीछे जो छोड़ के आया है, ये देखिए एकदम से बहुत ही बेहतरीन सवाल, जिसको आप बहुत ही लोग गलत करेंगे। तो अभी हमने फार्मूला क्या समझा, कि फार्मूला समझा कि यक्स प्रतिशत बटे में 100 + - यक्स गुणा मा 100, तो ये हमने समझा और इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब परसेंटेज तो ये टेढ़ा बेढ़ा दिया गया, तो इसको सही करो, डरने की जरूरत नहीं होती है, फ्रैक्शन देख के वैल्यू लोग डर जाते हैं, ऐसा मत करना। 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3 को हल कर लीजिए भैया, 16 सही 2/3% को क्या हल नहीं कर सकते, 16 * 3 = 48, 2 50 * 3, तो चलो 50 * 3 ही रहने देते हैं। तो ऊपर एक्स परसेंट, यानी कि जो मान दिया गया वो वैसे लिख दो, यानी कि 50 * 3 दिया गया उसको हमने वैसे लिख दिया, बटे में 100 + - x, 100 प्लस तब करेंगे जब हमको वृद्धि के संकेत मिल रहे होंगे, और माइनस तब करेंगे जब हमको कमी के मिल रहे होंगे। अब बताओ 16 सही 2/3% धीमी है, मतलब कमी का संकेत मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, कितना, 50 * 3, और गुणे में लगा देंगे 100, बस ये ही हमारा आंसर है। तो फिर इसको हल करना है, यानी कि 50 * 3, अब नीचे वाला हल कर लीजिए, 3 * 100 300, 300 में से 50 गया तो 250, तो 250 * 3 * 100। अब आपने बेसिक मैथ पढ़ी होगी, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो बटा और ये बटा वाला होता है कट जाता है, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कम 5 और 5 * 25, यानी कि 1/5 * 100, 5 से 100 को काट देंगे तो 20, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%। कितना अच्छा सवाल था, तो राइट आंसर यहाँ पर डी, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है जी, अपने नोट्स में एक एक मेंशन करिए और अपना पढ़ते रहिए,
जिसको कोई कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए और फटाफट आपके आंसर मिलते रहेंगे। और हमारा जो एक चैनल है जिसको व्हाट्सएप चैनल आजकल कहते हैं, तो उस व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, हाईवे क्लासेस, उसकी लिंक हम आपको दे देंगे, हमें व्हाट्सएप करना। और 99 35 00 12 25 पर, इस पर आप व्हाट्सएप करो, हम आपको लिंक भेज देंगे, तो उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। और व्हाट्सएप पर कोई भी कॉल नहीं करेगा और ना ही मैसेज करेगा, बस जो भी आपको पूछना है सिर्फ कमेंट करेंगे, नहीं तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समय हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हम अपना कंसंट्रेट अगर ख़राब करेंगे तो फिर वैल्यू हमारी भी ख़राब होगी और आपको हम लेक्चर फिर नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए ये सवाल। अब एक चीज़ जो हमने आपको पीछे समझाई वो ये कि एक बार प्रतिशत दिया जाए और एक बढ़ रहा हो तो एक घट रहा हो, तो ये वाले कंडीशन में तभी लगेगा। अब आप ध्यान दें, इस पूरे सवाल को अगर आप पढ़ते चले जाएं तो ध्यान दें, एक एक वर्ग की भुजा, देखो यहाँ भूसा लिखा है, भुजा होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, जो हमारे टाइपर हैं उन्होंने गलती कर दी है। भुजा, एक वर्ग की भुजा प्रतिशत प्रतिशत बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब आप एक गौर फरमाइए, बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर आप निकल के आएगी, यहाँ पर भी बढ़ाया गया और यहाँ पर भी बढ़ाया गया। तो अभी हमने पीछे आपको समझाया था कि एक बार जब प्रतिशत दिया जाए, अगर एक पहली बार में अगर कोई चीज़ बढ़ रही होगी दूसरी बार घट रही होगी, तो अगर वही कंडीशन यहाँ होता तो हम तुरंत से भी अपना फॉर्मूला जो हमने याद किया वो लगा देते। लेकिन आप खबरदार हो जाइए, अगर आपको एक बार प्रतिशत दिया गया है और यहाँ पर भी बढ़ा है और यहाँ पर भी बढ़ा है, तब वो फार्मूला नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर भी घटा और यहाँ पर भी घटा तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो। ठीक है जी, हाँ बहुत ही समझदार के बच्चे हैं आप लोग। अच्छा, एक वर्ग होता है, वर्ग की भुजा होती है। अब जो हमने पीछे समझा वो 1% के लिए समझा, अब हम लोग 2% के लिए क्या फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटा 100। ये एक फार्मूला है जिसको हम लोग, ये देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 13 खाना रिंच, जो हर जगह फिट हो जाएगा हर जगह। तो इसमें यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर आपको जो प्लस तब लेना है जब वृद्धि का संकेत हो, और माइनस तब लेना है जब आपको कमी का संकेत हो। बस अब देखिए यहाँ पर वर्ग है, इसीलिए सिर्फ इन्होंने एक बार प्रतिशत दिया गया। अगर यही आयत होता तो वो ये ऐसे कहता आयत, क्योंकि आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग होती है। तो अगर अगर यही आयत होता तो दो बार आपको परसेंटेज दिया जाता, यहाँ पर वर्ग है इसलिए एक बार प्रतिशत दिया गया, क्योंकि वर्ग की भुजा एक ही होती है। जैसे वर्ग की भुजा यहाँ ए है, ये भी है, ए भी है, ये भी है, ए भी है, तो ये यल होगी, ये बी होगी, मतलब इसमें भुजाएं अलग अलग होती हैं और वर्ग की भुजाएं एक ही होती है, इसीलिए उन्होंने परसेंटेज एक ही बार दिया। और आप समझ जाओ, मतलब कहने का मतलब उनका ये है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, इसका मतलब 25% ये भी बढ़ाई गई और 25% ये भी बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यल इंटू बी, मतलब गुणा करनी दोनों की, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुणा ए, मतलब आपने पढ़े होगा भुजा स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यू जरूरत होंगी। जहाँ पर भी 2% दिया गया होगा और बढ़ी और कमी पूछा गया होगा तो ये फार्मूला लगेगा। ये यहाँ पर दिया जरूर एक ही बार है, वो आपको समझाना चाह रहा है कि वर्ग की भुजा बराबर है तो दो बार क्यों लिखेंगे, वो ऐसे थोड़ी नहीं लिखेगा, एक की भुजा 25% बढ़ गई, फिर उसी वर्ग की भुजा फिर 25% बढ़ गई, वो आप समझिए, क्योंकि वो वर्ग है, दोनों भुजाएं बराबर है। अगर यही आया तो होता तो ऐसे करता, लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो गई, या चौड़ाई में 10 की हो गई या 15 की हो गई, अलग अलग भी दे सकता है। ध्यान दें, जब कभी भी दो बार प्रतिशत दिया जाए और बड़ी कमी पूछे तो ये फार्मूला लगेगा 13 खाना। ठीक है, अब हम लोग इसको लगाते हैं। देखो, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ी, आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही बार दिया गया। नहीं दोस्त, जहाँ वर्ग होगा वहाँ दो बार दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। तो 25 वृद्धि हुई है तो यहाँ प्लस का साइन और फिर प्लस का साइन और यहाँ प्लस का साइन गुणे 25 गुणा 25 बटा 100। तो ये देखिए इस फॉर्मेट को अपनाया गया है, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स गुणा एक्स वाई बटे 100। तो इस फॉर्मूले को हम जरूर आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे अभी, पहले तो इस सवाल को समझ लीजिए। तो 25 और 25 जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा, वो भी प्लस का, और ये वाले प्लस 25 गुणा 25 625, और 625 को 100 से भाग करोगे तो 6.25 आएगा। तो 50 में 6 जोड़ोगे तो 56.25
प्रतिशत आएगा, यानी कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी तो उसका क्षेत्रफल 56.25% बढ़ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी है। अब इस फार्मूले को जो बंधु जानते हैं वो सही है, नहीं जानते वो थोड़ा समझ लें इसको यूज कैसे करना है। मान लेते हैं पहली बार वृद्धि दी गई तो आपको प्लस का एक्स लेना है, दूसरी बार भी वृद्धि दी गई है तो आपको प्लस का वाई लेना है, और इन दोनों का जो गुणा होगा वो यहाँ पर लिखना है। तो प्लस प्लस की गुणा प्लस एक्स वाई बटा 100। मान लेते हैं पहली बार वृद्धि दी गई और दूसरी बार परसेंटेज में कमी करी गई तो यहाँ पर माइनस लेंगे, और प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, एक्स गुणा वाई बटा 100 हो जाएगा। मान लेते हैं पहले कमी की गई तो पहला कमी लिख लेंगे, दूसरी बार वृद्धि की गई तो पहले वृद्धि लेंगे, लेकिन प्लस माइनस गुणा यहाँ पर भी माइनस हो गई तो एक्स वाई बटा 100 हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों बार कमी की गई तो माइनस का एक्स और माइनस का वाई, लेकिन माइनस माइनस यहाँ गुणा में प्लस रहेगा, एक्स वाई बटा 100। तो बस अब जो भी आएगा वो हल करके कर देंगे, इसमें चार ही कंडीशन बनती हैं और ये चारों कंडीशन आपके सामने हैं। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप इसकी जो थ्योरी टाइम में हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन तो बस हमने क्लिक कराने के लिए दिए गए हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, ये हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं पूरा बेस से लेकर हाई तक, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस जो भी आप एग्जाम दे रहे हो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी सवाल आपको ना लगे वो आप हमें जरूर भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पर आप जाके भेजिए, और जहाँ पर भी आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट सबसे बढ़िया रहेगा, यूट्यूब पर आप कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता चले कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया कि नहीं आया। जो भी आपका इस टाइप का सवाल फंस रहा है तो आप भेजिए। देखिए, एक आयत की भुजा 10% बढ़ी, दूसरी 10% घटी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले तो क्या कह रहे हैं, पहले 10% बढ़ी यानी कि प्लस का 10 लेंगे, एवं दूसरी 10% घटी तो भैया माइनस का 10 लेंगे, और प्लस माइनस गुणा क्या होगी, माइनस, यानी कि 10 गुणा 10 बटा 100। तो भैया यहाँ पर देखें ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, बचा क्या, माइनस का 10 और 0 0, ये भी कट गए तो बचा क्या, 1%। काफी बच्चे कहेंगे सब तो कट गया, फिर बचे क्या, नहीं 1% तो बचेगा, तो 1% की कमी होगी। अब यहाँ पर जो साइन जो दर्शा रहा है वो कमी और वृद्धि को दर्शाएगा, पूरा साइन यहाँ पे लेने, साइन में छोड़ देना कोई भी चिन्ह, तो अगर यहाँ माइनस का है तो कमी होगी, तो 1% का लॉस। तो राइट आंसर यहाँ पर सी। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई चीज उतने ही परसेंट बढ़ रही है तो उतने परसेंट घट रही तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। नोट नोट, एक नोट लिखिए, क्या जितने जितने प्रतिशत की कमी हो उतने उतने की ही वृद्धि वृद्धि हो तो हमेशा हमेशा क्षेत्रफल हो या कोई संख्या हो या किसी भी चीज, हमेशा परिणाम कमी ही होगा, कमी ही होगा। अब मान लेते हैं कि एक भैंस आपने ली, वो आपने एक भैंस 50 रुपए की ली, ठीक है, अभी आप उसको मौसी के घर ले गए और मौसी कहने लगी यही भैंस हमको 50 रुपए की ही दे दीजिए। तो अब आप बताइए, जो भैंस आपने 50 रुपये में ली है और मौसी ने भी 50 रुपये में ले ली, तो आपको क्या घाटा हुआ? आप कहेंगे सर हमें तो कुछ घाटा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे, हो सकता है आप डाला करके ले गए हो तो डाला करके जो आप ले गए हो उस डाले का खर्चा कौन देगा? तो मौसी ने तो 50 ही रुपये दिए, तो डाले का जो खर्चा है वो आपको संवहन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कहेगा नहीं हम तो पैदल ही ले गए, तो आपकी जो एनर्जी खर्च हुई, आपकी जो भुजाओं से जो ताकत चली गई, उसका हर्जाना कौन भरेगा? कोई वो तो फ्री की आती है, अच्छा तो फिर हम तुम्हें खाना नहीं देंगे तो कहाँ से आएगी? तो ये सारी बातें अब छोड़ दीजिए, हमेशा जो हमने क्या लिखा है नोट, जितने प्रतिशत की कमी हो उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो, तो हमेशा परिणाम क्या होगा, कमी में ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी क्या है, एक ट्रिक है कि आप क्या करो, हमेशा परिणाम कमी में आएगा, तो कमी का प्रतिशत क्या होगा, कमी का प्रतिशत होगा एक्स स्क्वायर बटा 100। क्या, एक्स स्क्वायर बटा 100, कितना बेहतरीन जो ट्रिक हमें याद आ गया, एक्स स्क्वायर बटा 100 यानी कि एक्स का मान कितना, 10, तो 10 का वर्ग कर दो कितना होगा 100, और बटे में तो 100 है ही फार्मूले ट्रिक में, तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 1%। और 1% क्या है, ये हमने क्या बताया, हमेशा ही कमी होगी, तो इसीलिए राइट आंसर इसका सी था। देख रहे हो विनोद, तो
ये राइट आंसर यहाँ पर सी है। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्त, यदि यक्ष प्रतिशत 36 है तो यक्ष का मान बताओ। तो कह रहे हैं भैया यक्ष का मतलब गुणा, यहाँ पर यक्ष परसेंट, भैया परसेंट लगाएंगे तो यहाँ पर 100 लगाएंगे, बराबर कितना है 36। तो अब देखिए यहाँ गुणा कर लेंगे यानी कि यक्ष स्क्वायर हो जाएगा और 100 की इधर कैंची गुणा होकर 3600 हो जाएगा, तो यक्ष बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। तो 3600 का वर्गमूल आप सभी लोग जानते होंगे 60, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 60। तो काफी लोगों का जो शुरुआती होगा वो कहने में कैसे यार कर दिया, तो अब ये चीज समझो। तो देखो 36 को आप यूं लिख सकते हो 36 गुणा 100, भैया 36 गुणा 100 ये भी 36 ही होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। तो 36 का तो वर्गमूल 6 और 100 का कितना वर्गमूल 10, तो 6 गुणा 10 कितना 60। यहाँ सरल है। अच्छा जब यहाँ से कोई चीज वर्ग होगी तो सिर्फ यक्स रह जाएगा, तो इधर अंडर रूट चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए स्क्वायर बराबर बी है, तो ए बराबर होगा अंडर रूट बी, क्योंकि मतलब अगर यहाँ पर वर्ग है वो यहाँ चला जाता है वर्गमूल में। ठीक है, ये चीज आप बेसिक सी जानते ही होंगे। अगला सवाल, तो एक कक्षा में 45 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया है, लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? तो लड़कियां कितनी हैं? 15 हैं। अब यहां पर गलती लोग क्या करेंगे, 15 बटा 45 गुणा 100 कर लेंगे और 33.3% उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। नीचे जो हमेशा क्या लिखा जाता है, कुल लिखा जाता है, कुल मान। अगर आप किसी को परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमेशा क्या लिखेंगे, नीचे में कुल मान रखेंगे। तो 45 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो कुल कितने हुए हैं? तो 60, और गुणा में 100, तभी ना परसेंटेज निकलेगा किसी चीज का। तो 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, और 4 से 100 को काट देंगे तो 25%। तो यहाँ पर राइट आंसर सी। मैं देखो आपको छोटी बड़ी सारी बातें बताते चलूंगा जिससे कि आपका बिल्कुल नुकसान ना हो, आप अच्छे नंबर ला पाए। यदि वाई यक्ष से 20% कम है तो यक्ष वाई से कितने प्रतिशत अधिक है? सुनो सुनो सुनो, पुराना सवाल आ चुका है। देखो एक कमी बता रहे हैं तो एक अधिक पूछ रहे हैं, और वो भी परसेंटेज एक ही बार है दोस्त। तो क्या है, याद है पीछे वाली ट्रिक? अगर प्रतिशत एक बार दिया जाए और आपको एक बार कमी ने दूसरी बार अधिक पूछे, तो आप क्या लगाएंगे, यक्स बटा 100 प्लस माइनस x गुणा 100, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा दीजिए, क्या बात कर दी। तो 20 बटा कम कितना है, कमी है यानी कि 20% कमी है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 गुना में 100। तो 20 एकम 20 और 20 चौकस 80, और 4 से 100 को काट देंगे तो यहाँ पर 25% आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी। बहुत ही खूबसूरत सवालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखो जो हमारा सवाल लगाने का जो तरीका रहा है वो हम सिर्फ वही करते हैं जैसा सवाल कहता है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप भी वही करना जो आपसे सवाल कहे। जैसे उसने कहा कि दो संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% 50% अधिक है, इसका मतलब टोटल कितनी संख्या है, तीन। तो तीनों संख्या बनाओ, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करके बिल्कुल सिस्टम से लिखना पड़ेगा। कहने दो संख्याएं हैं और वो तीसरी संख्या से ज्यादा है, इसका मतलब तीसरी संख्या कुछ ना कुछ रही होगी, और जब कुछ ना हो तो आप 100 मान लो। अब आप कहोगे 100 ही क्यों मान लेंगे, क्योंकि आप प्रतिशत में जब ज्यादा करोगे तो 100 बहुत ही आसान चीज है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने 100 मान लिया तो हमें 25% ज्यादा करना है, तो हम लिखेंगे 125 बटा 100। अब ये 100 से 100 कट जाते हैं, इसलिए हम लोगों के यहाँ पर ज्यादातर 100 मानने में फायदा है। तो कह रहे हैं दो संख्या है वो तीसरी संख्या से कम से 25% 50% ज्यादा है, इसका मतलब ये 125 है और ये 50% ज्यादा है, ये 150 है। ठीक है, तो बस अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात बताओ, यानी कि पहली और दूसरी में अनुपात पूछ रहे हैं इसमें। तो आप बता दीजिए इसमें क्या हो गया, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, तो 5:6 वाला जो है राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है सब कठिन कठिन ही पूछा जाएगा, तो फिर लगा कौन पाएगा।
तो ये कठिन भी सरल भी करने हैं, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और सारे टाइप आपके क्लियर होते जाएंगे। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 13:17 है, यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि हो तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? ये भी एक सवाल है और इसमें सीखने वाली बात है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अनुपात, अब देखिए इसमें अनुपात जो है वो 13:17 है, जिसमें से ये ए है और ये बी है, और हमें करना क्या है कि ए में 15% की वृद्धि करनी है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ए में 15% की वृद्धि करनी है, मतलब 13 में 15 की वृद्धि करोगे 115/100। अब भैया ये 13 और 100 कुछ नहीं कट पाएगा, तो इसीलिए इसमें हमेशा 2 0 बढ़ाओ, यहाँ 2 बढ़ाओ और यहाँ 2 बढ़ाओ। आप कहोगे ऐसे कैसे बढ़ाया? हम कहेंगे जब अनुपात दिया गया हो या भाग दिया गया हो तो आप कितने से भी गुणा कर सकते हैं और कितने से भी भाग कर सकते हैं। जैसे 3/5 है, ऊपर आप 100 से गुणा कर लो, नीचे भी 100 से कर लो, क्या गया? कुछ नहीं गया, 100 से 2 कट गया, लो जहाँ पहले थे वहीं आ गए। और जितने से मर्जी आए गुणा करो, जितने से मर्जी आए भाग करो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन करना बराबर है। जैसे ऊपर 100 से किया, नीचे 300 से कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ऐसे मैथ है ना, सिस्टम से चलती है। तो आप देखिए, अब आपको आराम हो जाएगा, मतलब 1300 हो गए और 1300 में 15% की वृद्धि, 115/100, तो 2 0 2 0 कट गया यहाँ पर, है नहीं? तो अब आपसे 13 गुणा 115 बचा, क्या बचा? 13 गुणा 115। ऐसे ही जब आप यहाँ काटोगे तो 17 गुणा 17 गुणा, और कितने की वृद्धि? 30 30 की वृद्धि, तो हो जाएगा 130। भाई बटा में जो 100 रहेगा वो कट जाएगा इसी की तरीके से। तो अब आप इसको काट लीजिए, तो कितने से काटोगे जी? तो 13 से काट दिया, 13 1 13 यहाँ बचा 10, और 5 2 10, और 5 से काट दोगे 115 को, 23 5 115 होता है, ठीक है? तो 23:17 और 17 2 34, तो 23:34 यहाँ से आपका उत्तर आ पा रहा है। अगर आपसे नहीं कट रहा है तो अपनी रफ कॉपी उठाइए और आप काट लीजिए इस वीडियो को रोककर, ठीक है जी? तो अब अगला, बस यहीं तक था लेक्चर। तो काफ़ी 1 घंटे में हमने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, आप यकीन मानिए। जब ऐसे ही आप लगभग लगभग 7 8 लेक्चर देख लोगे तो बताओ परसेंटेज में कुछ रहेगा, और परसेंटेज सवाल जब आएंगे तो उसमें कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, आप आराम से अपना परसेंटेज लगा पाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, ठीक है? तो एक एक सवाल सीखिए और हमारे साथ बने रहिए, और हमें उतना ही प्यार दीजिए जितना आप पहले दे रहे थे। हो सकता है कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, इसलिए आप हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं। तो हमारे जो भी पुराने दोस्त हैं जिनकी जॉब लग गई है, तो अच्छी बात है, अपने छोटे भाई बहनों को हमारा चैनल रिफ़र कर लीजिए, और नहीं लगी है तो आप मेहनत से जुट जाइए और अपना जो है टारगेट सेट करके लग जाइए। और हमें जो है व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दो और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और जिसमें आपको पूरी नोटिफिकेशन आपसे मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पर मैसेज आप कर सकते हैं, जिसको भी थोड़ी बहुत जानकारी या बात लेनी है, हम टाइम होगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, ठीक है? अपने चैनल को हाईवे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिल पाए, ठीक है जी? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट अपना लेक्चर में।